Hey guys, welcome back to my channel. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने रव के चैनल पे. और आप सभी को सबसे पहले दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हैप्पी दिवाली इन एडवांस. और जब दिवाली की बात आती है तो खुशियों की बात आती है, मेमोरीज की बात आती है. और मैं भी हूँ अपने घर पे, यानी कि जयपुर में, तो मैं क्यों ना अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करूँ और आप लोग इसमें मेरा साथ दें. इसलिए आज मैं करने वाला हूँ रिएक्टिंग टू माई चाइल्डहुड पिक्चर्स. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि आज होने क्या वाला है. आज कुछ खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आप सबके सामने अपनी चुनिंदा अजीब सी क्यूट सी बचपन की फोटोग्राफ शेयर करने वाला और उनके बारे में आपको बताने वाला हूँ कि वो उसके पीछे की क्या स्टोरी है और मैं कैसा दिखता मैं अभी भी अच्छा हूँ. देखो थोड़ा मोटा हो गया हूँ क्योंकि खाने पीने का माहौल है, मिठाइयाँ चल रही है घर में, आजकल दमा दम खाया जा रहा है. लेकिन उन सब बातों को रखते हैं साइड में और अब शुरू करते हैं रिएक्टिंग टू माई चाइल्डहुड पिक्चर्स के लिए पिक्चर नंबर 1. सो लेट्स सी. आप लोग देख के समझ चुके होंगे कि ये कौन सी पिक्चर है और कैसी पिक्चर है. तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरे स्कूल का आईडी कार्ड है, आप लोग देख सकते हैं. इसमें घर का फोन नंबर भी है, बट डोंट वरी, ये घर हम बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं तो फोन करने का ट्राई मत करना, रॉन्ग नंबर है. और ये फर्स्ट क्लास की फोटो है एंड आई एम अ फर्स्ट क्लास बॉय. सो फर्स्ट क्लास की फोटो है, इसमें मेरा बर्थ डेट लिखा है, मेरा पुराना एड्रेस लिखा है और आप लोग देख सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा क्यूट हैंडसम एंड चार्मिंग लग रहा हूँ. और क्यूट एंड हैंडसम एंड चार्मिंग से मुझे याद आया, दिवाली है यार. दिवाली के समय सब लोग अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, नए नए कपड़े पहनते हैं, अपना पूरा का पूरा ख्याल रखते हैं. तो इसी के लिए मेरे पास है आप लोगों के लिए एक अमेजिंग ऑफर आपके स्किन के लिए. सो पहले आप जाइए और ये देख के आइए. द मैन स्लैब की तरफ से आता है इंडिया फर्स्ट वॉल्केनिक फेस केयर रेंज फॉर मैन, मेड फ्रॉम रियल वॉल्केनिक रॉक एंड वॉल्केनिक ब्लैक सैंड. दिस इज SLS फ्री, कंप्लीटली वेगन एंड इंक्लूड्स नो केमिकल. सबसे पहले हम यूज करेंगे वॉल्केनिक फेस वॉश. वॉल्केनिक फेस वॉश आपके ब्लॉक्ड पोर्स को ओपन करता है, ब्लैक हेड्स एंड डेड स्किन को रिमूव करता है और आपको देता है एक हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन. यह आपके ब्लड सर्कुलेशन को भी इंप्रूव करता है एंड आपको देता है फेयर कॉम्प्लेक्शन. यह आपकी स्किन से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है और एक्ने से फाइट करता है. अब हम यूज करेंगे वॉल्केनिक फेस मास्क. वॉल्केनिक एश क्ले इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर स्किन एज इट हेल्प्स यू टू प्रिवेंट एक्नेस एंड पिंपल. ब्लॉक पोर्स को ओपन करता है एंड लार्ज साइज पोर्स को श्रिंक करता है. हेल्प्स टू इंप्रूव टॉक्सिन्स एंड डस्ट फ्रॉम योर स्किन एंड गिव्स यू हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन. अब बारी आती है वॉल्केनिक फेस क्रीम की. इट हेल्प्स यू टू हाइड्रेट योर स्किन, प्रिवेंट्स एक्नेस एंड नरिशेस योर स्किन. अगर आपको डार्क स्पॉट्स हैं तो ये डेफिनेटली उन स्पॉट्स को लाइट कर देता है. इतना ही नहीं, द मेंस लैब की तरफ से चल रहा है दिवाली धमाका ऑफर जिसमें यू कैन सेव अप टू 62% ऑन हेयर प्रोडक्ट्स, फेस प्रोडक्ट्स, बियर्ड प्रोडक्ट्स एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स. और याद रहे ये सेल चल रही है सिर्फ 16th ऑफ नवंबर तक. सो अभी जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक पे क्लिक कीजिए और ये शॉपिंग कीजिए और 62% की बचत कीजिए गाइस. और हमारी सेकंड पिक्चर है, आप लोग देख सकते हैं कि मैं बचपन से ही कितना रॉकस्टार था. इसमें भी मैंने गिटार पकड़ा हुआ है, यानी वो वाला गिटार है जिसको बजाते थे बचपन में बटन से तो आवाजें आती थी. आप लोग भी प्लीज कमेंट करके बताना कि आप लोगों के पास भी ऐसा गिटार जरूर रहा होगा बचपन में, क्योंकि सबके पास होता था. और इससे पता लगता है कि मुझे गिटार से कितना प्यार है. और मैं शर्मा भी रहा हूँ यार, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मैं लड़की वाले एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, बड़ा सा चश्मा पहन के ऐसे. रिक्रिएटिंग चाइल्डहुड पिक्चर्स भी हो सकता है, लेकिन मैं ऐसे बैठा हूँ एंड गिटार के साथ मैंने बहुत सारे सीन्स किए हैं अपने शोज में. लेकिन आज मैं ये बड़ा धमाका आप लोगों को बताने वाला हूँ कि मुझे सच में गिटार बजाना बिल्कुल भी नहीं आता है, मुझे पकड़ना भी नहीं आता है. मुझे पता नहीं कैसे वो उंगली लगाते हैं, एक दो बार मेरी उंगली भी कट गई थी. सो आई एम अ रॉक स्टार बचपन से ही. आप लोग देखिए और बताइए ये पिक्चर आपको कैसी लगी. और वीडियो पूरा देखने के बाद नीचे कमेंट करके भी बताना कि आपको कौन सी पिक्चर बेस्ट लगी, यानी कि नंबर 1, 2, 3, 4 या 5. सो ये थी हमारी पिक्चर नंबर 2, रॉक द रॉक स्टार. और अब बारी आती है हमारी पिक्चर नंबर 3 की.
यार ये पिक्चर मुझे पता नहीं क्यों ऐसी लग रही है। ये पिक्चर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, शिनचैन तो बहुत बाद में आया, यानी कि पहले आ चुका था लेकिन हम लोगों ने शिनचैन को बहुत बाद में देखा। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आपको रफ के अंदर एक शिनचैन दिखाई देगा, एक क्यूट सा गोलू मोलू सा गोलगप्पे जैसा एक छोटा सा बच्चा जो कि हूँ मैं। एंड मैं बचपन में काफ़ी क्यूट था, काफ़ी चबी था, अभी से ही चबी चीक्स और डबल चिन भी मेरी दिख रही है। एंड मैं काफ़ी शर्मीला किस्म का था, मतलब मुझे बहुत शर्म आती थी बचपन में, कोई भी आंटी आके यूं करती थी तो मैं बहुत शर्मा जाता था। और ये बात मैं आज भी अमल करता हूँ, मैं आज भी बहुत शर्मा जाता हूँ, स्पेशली लड़कियों से। लड़कों से क्या शर्माना है यार, हम सब तो भाई लोग हैं, लेकिन मैं काफ़ी शर्मीला हूँ। और ये पिक्चर वो अच्छे से डिस्क्राइब कर रही है कि मैं कितना शर्मीला किस्म का बच्चा हुआ करता था। एंड मैं चाहता हूँ कि मैं वापस इतना क्यूट हो जाऊँ यार, बट मुझे नहीं लगता इतना क्यूट मैं वापस हो पाऊंगा क्योंकि मैं अभी इससे ज़्यादा क्यूट हूँ। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो नीचे जाइए, कमेंट कीजिए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। अब चलते हैं हमारे पिक्चर नंबर 4 की तरफ। ये है हमारा पिक्चर नंबर 4, और ये पिक्चर मैं आप लोगों को बता दूँ वैष्णो देवी जब हम लोग गए थे बचपन में वहाँ की है। एंड ये जो लंबा सा लड़का दिख रहा है ये हमारे बड़े भाई हनुमान जी यानी कि निर्भय वाधवा हैं, एंड ये मेरा एक कज़न है। और बीच वाला लड़का, आपको आपको पता होगा हमेशा से ही मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की आदत है, तो मैं यहाँ पे भी बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं आई थिंक यहाँ पे चाय ऑर्डर कर रहा हूँ, मैं यूँ एक चाय लेके आ रही है, कुछ वैसी सी पिक्चर है। एंड सबसे छोटा मैं हूँ लेकिन सबसे शैतान मैं ही लग रहा हूँ क्योंकि इस पिक्चर में काफ़ी जान डाल दी है मैंने, बिल्कुल सीधा मुझसे खड़ा कभी नहीं हुआ जाता था। सारी पिक्चर देख लीजिए, मैं कुछ ना कुछ करता ही रहता था। एंड मैं काफ़ी फोटोजेनिक था, एंड मैं बहुत ज़्यादा फोटोजेनिक था लेकिन मैं मॉडल नहीं बन पाया, मैं एक्टर बन गया हूँ। टच वुड, बहुत अच्छा लग रहा है। एंड आप लोग देख सकते हैं इसमें मेरा फेवरेट कलर भी है पिंक, मजाक कर रहा हूँ यार, पिंक मेरा फेवरेट कलर नहीं है लेकिन बचपन में शायद मेरा फेवरेट कलर पिंक था। एंड मैं इस ट्रिप को बहुत मिस करता हूँ क्योंकि मैं सिर्फ एक बार वैष्णो देवी गया था, और जब मैं गया था तब मैं ऐसा था, मुझे कुछ अच्छे से याद भी नहीं है। मैं वापस से वैष्णो देवी जाना चाहता हूँ एंड वो सारी मेमोरीज रिकॉल करना चाहता हूँ एंड दर्शन भी करना चाहता हूँ। चलते हैं पिक्चर नंबर 5 और आज की आखिरी पिक्चर की तरफ। ये है पिक्चर नंबर 5 यानी कि आज की आखिरी पिक्चर, और ये पिक्चर बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें है निर्भय, इसमें है मेरे पापा, इसमें हूँ मैं और इसमें है मेरी मम्मी। और ये पिक्चर ली गई थी जुहू बीच पे, एंड मैं पहली बार मुंबई गया था और तब मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं मुंबई शिफ्ट होऊंगा या मुंबई में रह के काम करूंगा या टीवी शोज़ करूंगा या दूसरे म्यूज़िक वीडियोज़ करूंगा, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था, मैं सिर्फ घूमने गया था वहाँ पे। लेकिन आई थिंक इस पिक्चर की एक अलग ही कहानी है। आज मैं इसी शहर में रहता हूँ और जुहू बीच पे मैं अक्सर जाता हूँ, इनफैक्ट मैं वीक में 3-4 बार चला जाता हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मुंबई में आऊँगा एंड मेरी जर्नी की शुरुआत होगी। सो यहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी की शुरुआत हुई थी जब मैं मुंबई गया था, एंड आज मैं मुंबई का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। सो ये पिक्चर हमेशा मेरे लिए काफ़ी स्पेशल रहेगी। एंड इसमें मैं कहना चाहूँगा मुझसे ज़्यादा क्यूट या हम दोनों से ज़्यादा क्यूट हमारे मम्मी पापा लग रहे हैं, जो कि वो है भी, एंड उन्हीं की वजह से हम दोनों इतने स्मार्ट और डैशिंग हैं। सो ये थी हमारी आज की आखिरी पिक्चर, पिक्चर नंबर 5। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी पिक्चर पसंद आई होंगी, अगर आई हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताना यार कि आपकी फेवरेट पिक्चर कौन सी है, नंबर 1, 2, 3, 4 या फिर 5। हाँ गाइस, भूलिएगा मत, द मेंस लैब की तरफ से चल रहा है दिवाली धमाका ऑफर, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग वहां जा सकते हैं, उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, शॉपिंग कर सकते हैं और इस दिवाली को और खास बना सकते हैं द मेंस लैब के साथ। प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टाटा गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर, बाय।